मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आए हैं। आज 5 ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो है दोस्तों बात की जाएगी, जो कि इस आने वाले साल में जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा काम इनके ऊपर चल रहा है और जो भी स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में और कह सकते हैं डेवलपमेंट क्षेत्र में अपनी लाइफ और करियर बनाना चाहते हैं, वो इन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आज हम चलेंगे। सबसे पहले हमारी जो लैंग्वेज होगी वो होगी C++। और दोस्तों जो जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है वो C++ के बारे में जानते होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो दोस्तों ये है, और ये सी का ही सक्सेसर माना जाता है। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, और गेमिंग डेवलपमेंट के लिए अक्सर यूज़ की जाती है। जितने भी जो गेम्स वगैरह बनाए जाते हैं मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर, ये गेमिंग डेवलपमेंट के लिए C++ का आज भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो फेमस कंपनीज हैं जो यूज़ कर रही हैं, गूगल हुआ, नासा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ये C++ का जो है यूज़ आज भी कर रही हैं। और दोस्तों काफ़ी अच्छा पैकेज इस लैंग्वेज से स्टूडेंट्स को और जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें मिलता है। इसी क्रम में जो है दोस्तों दूसरी हमारी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ में अभी चल रही है, और क्योंकि लगता नहीं है ऐसा लोगों को, लेकिन दोस्तों PHP का आज भी यूज़ किया जा रहा है। जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, और 1994 में ये जो है दोस्तों आई थी, और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, इसका यूज़ किया जा रहा है। और दोस्तों एक और मैं आपको अच्छा स्टैट बताना चाहूँगा, PHP जो है इसको अभी भी जो डेवलपमेंट है उसमें दोस्तों 20% ऐसे लोग हैं। अगर 100% डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो 20% ऐसे लोग हैं जो कि PHP का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे डेवलपर्स हैं जो PHP को अभी यूज़ कर रहे हैं। और जो बड़ी कंपनीज हैं जो PHP का यूज़ कर रही हैं दोस्तों, उसमें फेसबुक है, और हम कह सकते हैं विकिपीडिया, जो आप जब कुछ सर्च करते हैं तो विकिपीडिया का यूज़ होता है। फेसबुक और विकिपीडिया जो है दोस्तों PHP लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है, और इसमें भी आप अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों एक और लैंग्वेज है जो कि हमने इसको तीसरे पायदान पर रखी है दोस्तों, इसका नाम है जावा। और लगता ही नहीं है कि ये कभी इसका दौर ख़त्म होगा। जावा लैंग्वेज क्या है? जावा लैंग्वेज हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दोस्तों ये ऐसी लैंग्वेज है जिसका कि शायद से कभी भी समय नहीं आएगा कि ये कभी बंद होगी। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेस्कटॉप मोबाइल एप्स के लिए दोस्तों जो है यूज़ की जाती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जावा का यूज़ कर रही हैं, और जावा में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम फील्ड जो हैं, मैं एक बार और बता देता हूँ, जो एंड्रॉयड बनाए जाते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशंस, वो जावा में बनाए जा रहे हैं दोस्तों। और जो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, उबर आपने ये कंपनी का नाम सुना होगा, इसी के साथ इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम के बाद पेटीएम आप लोगों ने सुना होगा, और गूगल, दोस्तों ये कंपनीज हैं जो जावा का इस्तेमाल कर रही हैं। और जावा को जो है, अगर आपको जावा आती है दोस्तों तो आप तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बहुत सा हिस्सा ऐसा होता है कि आप जान चुके होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी लैंग्वेज जावा। इसी के साथ दोस्तों हम जो चौथी लैंग्वेज लेकर आए हैं वो है पाइथन, और बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें पाइथन सीखना भी है। हमने अभी रिसेंटली एक पोल भी किया था, उसमें भी कहा है लोगों ने कि पाइथन लैंग्वेज जो है, और दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है क्योंकि ये भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काम कर रही है, इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दोस्तों काफ़ी सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाइथन पर यूज़ की जा रही हैं, पाइथन का इस्तेमाल करके यूज़ की जा रही हैं दोस्तों। और जो है IBM आपने कंपनी का नाम सुना होगा, पाइथन हम यहाँ लिख देते हैं,
ताकि आपको वीडियो में याद रहे कि हमने कौन कौन सी कंपनीज बोली हैं। IBM और दोस्तों Spotify, ये Spotify जो ऐप है आप लोग इसको जानते होंगे, शायद से सिंगिंग ऐप है ये। इसका यूज़ जो है पाइथन लैंग्वेज की मदद से, या Spotify और IBM कंपनी पाइथन लैंग्वेज को यूज़ कर रही हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी चौथी लैंग्वेज। इसी के साथ दोस्तों जो पांचवी और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है हमारी, उसका नाम है R लैंग्वेज। दोस्तों R लैंग्वेज क्या है? R लैंग्वेज जो है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और पाइथन का ही सक्सेसर एक्चुअल में जो है माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आर लैंग्वेज जो है उसको कंपीट जो किया जा रहा है पाइथन से किया जा रहा है। और यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि पाइथन में जो हम स्टैट्स के लिए जो यूज़ करते थे उसी के टर्म्स में इसने ओवरकम किया है पाइथन को, और डेटा साइंस और जितने भी स्टैट्स हैं, डेटा माइनर्स, ये सभी जो है आर लैंग्वेज को जो है दोस्तों यूज़ कर रहे हैं। और जो बड़ी कंपनीज हैं जो आर लैंग्वेज को यूज़ कर रही हैं दोस्तों, उनके नाम भी जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसमें दोस्तों जो है सबसे बड़ा नाम है वो है फेसबुक। फेसबुक आर लैंग्वेज का यूज़ कर रही है। इसी के साथ ट्विटर, ये आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है दोस्तों इसका यूज़ कर रही है। और लास्ट में जो है गूगल भी आर लैंग्वेज का यूज़ कर रही है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आर लैंग्वेज का यूज़ कर रही हैं दोस्तों, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होने वाली है 2022 में। तो दोस्तों ये जो पांच लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई हैं, C++, PHP, जावा, पाइथन, आर लैंग्वेज, ये आने वाले 2022 में अगर आप इन्हें सीखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लैंग्वेजेस हैं। सभी लैंग्वेजेस का अपना अपना अलग अलग महत्व है, और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी लैंग्वेजेस एक साथ ही सीखें। आप किसी भी एक लैंग्वेज को अगर सीखते हैं और आप स्पेसिफिकली परफेक्शन के साथ उस लैंग्वेज को सीखते हैं दोस्तों, तो आज के दौर में स्पेशली कोरोना आने के बाद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। हमारे पास डेवलपर्स के नाम पर बहुत से लोग हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज जब बात आती है दोस्तों, तो किसी को भी लैंग्वेज जो है एग्जैक्ट अप टू द मार्क एक डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए, प्रोडक्शन लेवल तक आने के लिए, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमें बैरियर बन जाती है। तो दोस्तों हमारा कहना यह है कि आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज सीखें, चाहे C++, PHP, जावा, पाइथन, आर लैंग्वेज, ध्यान ये रहे कि वो लैंग्वेज हमें अच्छे से आती हो, क्योंकि दोस्तों इनमें भी अपडेशंस आते हैं और कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, कभी भी हो सकता है कि कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाए और इन्हें ओवरकम करने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, जावा और पाइथन, PHP, C++, ये तो देख सकते हैं आप, सी और C++ तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी और सबसे पहले जो लैंग्वेजेस आई थी उनमें शामिल हैं। तो दोस्तों इन लैंग्वेजेस का दौर नहीं जाता है। आज भी C++ को अगर गूगल और नासा, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, तो C++ में कोई ऐसी बात होगी जिसका यूज़ किया जा रहा है। PHP दोस्तों कहा जाता था, जैसा कि मैंने अपने स्टेट में सुना है MP में, कि ज़्यादातर यहाँ की जो कंपनीज होती हैं वो PHP का यूज़ करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। PHP भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। जावा आप जानते ही हैं, यहाँ आपके पास जितने भी डिवाइसेस रन कर रहे हैं उसमें जावा कहीं ना कहीं शामिल होता है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। आप अपना जब कंप्यूटर लेकर आते हैं दोस्तों, उसमें भी जावा जो है इंस्टॉल किया जाता है या आप करते हैं। और पाइथन और आर लैंग्वेज जो है दोस्तों आज के ज़माने की नीड हैं, और ये लैंग्वेजेस भी हमें आना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरीके से 2022 में आप सीख सकते हैं ये समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और भी कैसे वीडियोस आप चाहते हैं दोस्तों लैंग्वेजेस के ऊपर, जो भी फील्ड आप बताएंगे मैं उसका ध्यान जरूर रखूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।